इसराइल और हमास की जंग के बीच पीएम मोदी ने क्यों किया कैलाश दर्शन। पीएम मोदी ने मां पार्वती के जरिए कैलाशपति भगवान शिव से क्या मांगा? पीएम को जंग के बीच भोलेनाथ से देशवासियों के लिए कुछ मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग का इलाका तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। हमास के आतंकियों ने धार्मिक नारे लगाते हुए जिस बर्बरता और क्रूरता से छोटे छोटे इजरायली बच्चों की हत्या की, सैकड़ों इजरायली महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया, फिर उनकी लाश को लेकर सड़कों पर जुलूस निकाला, जश्न मनाया, बंधक बनाए लोगों को जमीन में जिंदा गाड़कर दफन कर दिया। उससे इसराइल बुरी तरह से बदले की आग में जल रहा है। बदले की आग फिलिस्तीन में भी भारी तबाही ला रही है। बदले से पैदा हुई युद्ध की इस आग का और भड़कना तय माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जड़ में धर्म या मजहब है। इसी खासियत की वजह से आशंका जताई जा रही है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है। इसमें भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने बिना लाग लपेट के कह दिया है कि हमारा देश इसराइल पर हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता है और संकट की इस घड़ी में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल हमास की जंग के बीच ही 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी आदि कैलाश का दर्शन करने पहुंचे। पीएम के कैलाश दर्शन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि जंग के बीच पीएम की इस धार्मिक यात्रा के पीछे कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का अलौकिक अवतार दिखा। वो उत्तराखंड गए और सबसे पहले पिथौरागढ़ के गुंजी गांव पहुंचे और वहां पवित्र पार्वती कुंड के दर्शन और पूजन किए। पार्वती कुंड उत्तराखंड का बहुत ही पवित्र स्थल है। पार्वती कुंड से ही उन्होंने उस पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन किए, जहां एक बार जाने की चाहत हर सनातनी की होती है। दोस्तों, पार्वती कुंड से 20 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं, जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया है। मोदी पार्वती कुंड के पास स्थित शिव शक्ति मंदिर भी गए और पूजन के बाद आरती की। दर्शन के बाद पीएम मोदी ने तस्वीरों के साथ ट्वीट किया और लिखा, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड में दर्शन और पूजन से अभिभूत हूं। यहां से आदि कैलाश के दर्शन से भी मन आह्लादित है। प्रकृति की गोद में बसी आध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से अपने देश के सभी परिवारजनों के सुखमय जीवन की कामना की है। दोस्तों, अगर कोई कैलाश मानसरोवर की कठिन यात्रा नहीं कर सकता, तो उत्तराखंड के पार्वती कुंड से ही पवित्र कैलाश के दर्शन कर सकता है। पार्वती कुंड की पवित्रता इस दर्शन को अति पावन बना देती है। पीएम मोदी ने भगवान शिव का घर माने जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन अब भारत से ही करने का रास्ता बता दिया है। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहाँ से पर्वत की हवाई दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है। दोस्तों, पार्वती कुंड में पूजा और आदि कैलाश के दर्शन के बाद पीएम मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी ने भगवान जागनाथ का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी की पूजा संपन्न कराई। करीब 6200 फीट पर स्थित जागेश्वर धाम बहुत ही पवित्र स्थल है और इस मंदिर का 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। सनातन धर्म के स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस मंदिर का जिक्र मिलता है। जागेश्वर धाम मंदिर में भगवान के नागेश रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर के अंदर कई शिलालेख और मूर्तियां मौजूद हैं। जागेश्वर धाम दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर है और इसके लिए आपको काठगोदाम तक ट्रेन या बस से सफर करना होता है। इसके बाद जागेश्वर तक की 120 किलोमीटर की यात्रा बस या टैक्सी से करनी होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुंजी गांव में स्थानीय लोगों और कलाकारों के साथ भारतीय सेना ITBP के जवानों और BRO कर्मियों के साथ बातचीत भी की। भारत चीन बॉर्डर पर तैनात इन जवानों की जाबाजी की उन्होंने खूब तारीफ की।
पीएम मोदी ने अपने इस उत्तराखंड दौरे के दौरान राज्य को करीब 4200 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा भी दिया। पर दोस्तों सवाल उठता है कि पीएम मोदी की इस यात्रा का इजराइल हमास जंग से क्या कनेक्शन है। दोस्तों कई सियासी एक्सपर्ट्स के साथ साथ भविष्यवक्ताओं का भी मानना है कि इस जंग के बाद दुनिया महाविनाश के कगार पर खड़ी है। इस महाविनाश के दौर में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका बहुत अहम होगी। अपनी भूमिका निभाने के दौरान भारत को चीन, पाकिस्तान और मुस्लिम देशों से कड़ी चुनौती मिलेगी। ऐसे में भारत और उसके नागरिकों के लिए आने वाला समय बेहद चैलेंजिंग होगा। ऐसे कठिन समय से बाहर निकलने के लिए सांसारिक प्रयासों के साथ साथ परमात्मा की कृपा की भी जरूरत होगी। दोस्तों पीएम मोदी एक राजनीतिक शख्स के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी उच्च कोटि के साधक माने जाते हैं। भगवान शिव और माँ आदिशक्ति उनके आराध्य हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी आने वाले कठिन समय में देशवासियों की सुरक्षा और भलाई की दुआ करने के लिए माँ पार्वती और आदि कैलाश के दर पर पहुंचे, इसलिए यहाँ उन्होंने कुछ देर ध्यान भी किया और पार्वती कुंड से ही भगवान शिव के घर कैलाश में हाजिरी लगा दी। गौर करने वाली बात यह है कि पार्वती कुंड में ध्यान के बाद उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें भी पूरे देशवासियों के लिए सुख की कामना की गई है। इस यात्रा से हर सनातनी की दो और उम्मीदों को बल मिला है। पहला, क्या उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर शुरू हो पाएगी जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से बंद है। दूसरा, क्या वो समय आ गया है जब कैलाश मानसरोवर भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा, क्योंकि भारत के अनेक महान आध्यात्मिक संतों और भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की है कि एक दिन आएगा जब भारत अपने अखंड स्वरूप को प्राप्त करेगा और तिब्बत भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा। क्या इसराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ी है उसका अंतिम नतीजा विश्व के मानचित्र को बदल देगा और भारत उस नए मानचित्र में विश्व गुरु की भूमिका में होगा। दोस्तों इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज जिस तरह से धर्म, राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि महाविनाश होगा और महाविनाश के बाद सनातन धर्म ही बचेगा, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जिसका न आदि है और न अंत। दोस्तों इसराइल हमास जंग के बीच पीएम मोदी के कैलाश दर्शन पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।